हम बात करेंगे सुसी कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। करेंटली कॉइन 1.1 USD पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे डिप के अंदर। रीसेंट ब्रेकआउट के बाद से इसकी प्राइस देखने को मिल रही है, जहाँ पर बहुत अच्छे अपॉर्च इस कॉइन में निकल के आ रही है, जिस कॉइन में आप क्विक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से भी अपने पोर्टफोलियो में एड कर सकते हैं। करेंटली बात करें कौन सा आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बना रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है, ताकि वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, क्रिप्टो क्वारीज, अपडेटेड सिलेबस, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते, तो वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहां पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स और न्यूज शेयर की जाती है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1.1 USD पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, पिछले डंप के बाद से इसकी प्राइस 1.1 USD के अराउंड में स्टेबल है, जहां पर प्रीवियस BTC की फ्लक्चुएशन में इस कॉइन ने 0.94 तक का लो ट्राई किया था, जहां पर डेली के अंदर अगर बात करें तो 0.90 वाला बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, जिस लेवल को इस कॉइन ने मेंटेन किया। उसके बाद 1.1 इम्पोर्टेंट लेवल था, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल इस कॉइन के लिए था, क्योंकि यहां डंप देखने को मिला था, प्राइस 9.094 तक चली गई थी, तो वहां पर 1.1 USD वाला जो लेवल है वो इस कॉइन के लिए रेजिस्टेंस लेवल था। लेकिन अभी इस कॉइन ने प्रीवियस 2-3 दिन पहले भी अच्छा मूवमेंट लिया था 1.23 तक का, वहां से थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला, तो 1.1 USD वाला जो लेवल है वो बहुत हार्डली रिजेक्शन एरिया नहीं था, और उस लेवल को ब्रेक करके अभी 1.1 USD वाले लेवल को इस कॉइन ने सपोर्ट बना लिया है। यहां से जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है डेली के अंदर, वो है 1.3 USD वाला लेवल, 1.35 वाला लेवल, क्योंकि इस लेवल से इस कॉइन को रिजेक्शन फेस करने को मिलेगा। अभी वापस ट्राई करें, क्योंकि प्रीवियसली इस कॉइन ने बहुत लंबे टाइम के बाद इस लेवल को सपोर्ट बनाया था डेली के अंदर, और 1.5 USD तक ट्राई किया था, लेकिन BTC की फ्लक्चुएशन की वजह से इसने उसको लूज कर दिया, और अभी 1.3 वाले लेवल से, 1.35 वाले लेवल से डेली के अंदर तो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा ही, साथ के साथ में वीकली में भी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 1.3 USD वाला लेवल। और इस लेवल से ऊपर इस कॉइन ने प्रीवियसली ट्राई किया 2-3 बार, उस लेवल को ब्रेक भी किया, लेकिन उस लेवल से ऊपर अच्छी खासी कैंडल क्लोज देखने को नहीं मिली, मतलब उसके अराउंड 1.3-1.32 के अराउंड देखने को मिली, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को नहीं मिला, और उस लेवल से नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो वीकली में अगर बात करें तो 1.3 USD वाला इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और 0.9598 वाला सपोर्ट एरिया, इसी बीच में इसकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, इसी बीच में इसकी प्राइस घूम रही है। इससे पहले हमने इस कॉइन में नवंबर मंथ के अराउंड में 1 USD पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा था, वहां हमने बाय किया 1 USD 0.90 पर, 7th of November, 2nd of November के अराउंड में इस कॉइन को बाय किया, क्रेप किया, और 1.3-1.4 तक के हमने जो टारगेट्स बताए थे उन टारगेट्स को इस कॉइन ने हिट किया था। दिसंबर मंथ के अंदर 1.5 तक प्राइस गई थी, शॉर्ट टर्म में हमारा 1.5 का टारगेट था, और इन लेवल्स को हिट करके हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। बात करें हम अगर अक्टूबर मंथ की, तो अक्टूबर मंथ में भी जहाँ इस कॉइन में 0.0 ये वाली जो फ्लक्चुएशन देखने को मिली थी 8.087 वाली लेवल की, यहाँ भी हमने इस कॉइन को ग्रेप किया था। तो जिन्होंने उस टाइम से बाई किया हुआ है और उनके पोर्टफोलियो में अभी कॉइन, ये कॉइन एड है, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आपने उस टाइम से होल्ड किया या प्रॉफिट जनरेट किया। अभी वापस एक बहुत अच्छे लेवल पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर आपकी एक बहुत अच्छी और सेफ एंट्री रहेगी। एंट्री की बात कर लेते हैं, 1.1 USD पर ट्रेड कर रहा है, अच्छा लेवल है। बस ये है कि थोड़ी बहुत बिटकॉइन में अगर फ्लक्चुएशन होती है, बिटकॉइन हालांकि अभी अगर बात करें तो US मार्केट ओपन हो रहा है, शाम के टाइम में जब US मार्केट ओपन हो रहा है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन BTC प्राइस में पिछले 2 दिनों से देखने को नहीं मिली है, यानी कि
मंडे और ट्यूसडे, कल भी बहुत ज़्यादा डंप देखने को नहीं मिला, सिर्फ ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन ही। हाँ अगर बात करें तो स्क्वायर ने 1.073 को ट्राई किया था और BTC ने 42,000 को ट्राई किया था और वापस 43 तक प्राइस चली गई, तो इतनी ही फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है और उस फ्लक्चुएशन में हमारा जो सेकंड लेवल है उसके हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो बाइंग की अगर बात करें, एंट्री की बात करें, 1.1 USD पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट एंट्री रहेगी जो रहेगी आपकी 70% पार्ट से, यानी कि इस कॉइन में जो अमाउंट लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से आपको फर्स्ट एंट्री लेनी है 1.1 USD पर, जहां पर आपको बाय लिमिट अभी तो 1.1 पर ट्रेड कर रहा है तो आपको एंट्री मिल ही जाएगी। अगर थोड़ा बहुत ऊपर ट्रेड करता है, वीडियो वॉच करें, तो 1.1 की बाय लिमिट लगानी है, उससे ऊपर थोड़ी रिस्की आपकी एंट्री रहेगी, इसलिए जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, पैसेंस फॉलो करना है और बाय लिमिट लगानी है। सेकेंड लेवल रहेगा 1 USD वाला लेवल, जहाँ पर आपको बाकी 30% पार्ट से एंट्री लेनी है, जो रहेगी बाकी सेकेंड लेवल की 1.1 पर फर्स्ट एंट्री, सेकेंड लेवल की 1 USD पर 70-30 के रेशियो में, इन दो लेवल्स पर एंट्री लेनी है। यहाँ से जैसे ही मूव करेगा तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 1.3 USD वाला लेवल, उसको ब्रेक करेगा 1.4, 1.45 से लेकर 1.5 को ट्राई करेगा। तो 1.3 तक तो 2-4 दिन के अंदर जैसे ही मार्केट ठीक ठाक होता है, BTC मूव करना स्टार्ट करता है, ये कॉइन ट्राई कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर ट्राई करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आपके लिए क्विक टारगेट जो है 1.35 और सेकेंड टारगेट 1.45 रहेगा। इन लेवल्स पर आपको 60-40 के रेशो में सेल करना है। शॉर्ट टर्म में आप 1.5 से लेकर 1.6 तक का टारगेट रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा, जहां पर आपको 15-20 डेज या 1 मंथ होल्ड कर सकते हैं, तो ही आपको ये टारगेट रखना है। इससे पहले अभी रिसेंटली जब इस कॉइन ने ड्रॉप लिया था तो हमने आपको एंट्री शेयर की थी, जहाँ पर 1.23 और 1.1 इन दो लेवल्स की आपको एंट्री बताई थी। वहाँ पर भी अगर आपने बाय करके रखा हुआ है तो कोई बहुत ऊपर की एंट्री नहीं है, मतलब 1.2 के अराउंड तक लगभग सेफ एंट्री है, और 1.23 और 1.1 दो लेवल्स की एंट्री मैंने शेयर की थी, तो आपकी एवरेज बाइंग 1.15 या 1.18 की होगी। तो बहुत ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में इस टाइप से नहीं कि लॉस देखने को मिल रहा है, सिर्फ इतना है कि हमें स्पॉट में अगर होल्ड करना है, स्पॉट में ट्रेड करना है, तो हमें एक अच्छे पोस्टी के लिए वेट करना पड़ता है, जहां पर आपके थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन में, BTC की फ्लक्चुएशन में 5-10% का लॉस भी देखने को मिल जाता है कभी कभी। और देखिए यहां पर 2 दिन पहले इसको इन्होंने मूव भी किया था, जहां पर 1.23 तक प्राइस गई थी, तो कभी भी आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी तो बाइंग जो है वो ऊपर वाले लेवल पर हो गई है, जल्दीबाजी में हमने एंट्री ले ली, या ये तो डाउन जा रहा है, तो आपको एग्जिट होना है, प्राइस वहाँ 1-2 दिन में हिट कर देगी, एग्जिट हो सकते हैं। और हमारा फोकस ऐसे लेवल पर ही रहता है जहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, क्वाइन एक अच्छे लेवल पर मेंटेन रहे, बस आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो पर फोकस करना है। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हैं। दूसरा, जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, सिग्नल्स अपडेटेड, लेवल्स और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, जहां पर हम आपको क्रिप्टो से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स और न्यूज शेयर करेंगे, उसे भी आप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।